हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन लैब्राडोर एंड इंग्लिश लैब्राडोर। इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट हिस्ट्री, दूसरा पॉइंट अपेयरेंस, तीसरा पॉइंट साइज, चौथा पॉइंट टेम्परामेंट और फिफ्थ पॉइंट कि ये डॉग कौन सा डॉग आपके लिए परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट पे जो है हिस्ट्री। लैब्राडोर रिट्रीवर का ओरिजिन न्यूफाउंडलैंड आइलैंड से है जो एक कैनेडियन आइलैंड है। लैब्राडोर रिट्रीवर के जो एंशिएंट डॉग्स है जिनसे ये आए हैं उनका नाम है सेंट जॉन्स डॉग। जो ये डॉग है वो वहाँ के जो फिशरमैन थे वो उनको यूज करते थे एज अ वर्किंग डॉग। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंग्लिश लैब्राडोर है और अमेरिकन लैब्राडोर के बीच में हिस्ट्री में डिफरेंस कैसे हुआ, कहाँ से दोनों अलग हुए हैं। 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में कुछ इंग्लिश नोबल आए थे वहाँ पे न्यूफाउंडलैंड आइलैंड में और उन्होंने उनको ये डॉग पसंद आए थे तो वो कुछ डॉग्स अपने साथ ले गए थे। जो आज की डेट में जो अब इंग्लिश लैब्राडोर है वो उन डॉग्स के एंसिस्टर्स हैं और जो डॉग न्यूफाउंडलैंड आइलैंड पे रह गए थे उनके एंसिस्टर्स जो आज की डेट में है उन्हें हम अमेरिकन लैब्राडोर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो है अपेयरेंस। अब मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैब्राडोर और अमेरिकन लैब्राडोर। इंग्लिश लैब्राडोर, जो इंग्लिश लैब्राडोर का जो हेड साइज है वो वाइडर होता है अमेरिकन लैब्राडोर के कंपैरिजन में। अमेरिकन लैब्राडोर का जो हेड साइज होता है वो नैरो होता है। जो मजल का साइज होता है इंग्लिश लैब्राडोर का वो शॉर्टर होता है और जो अमेरिकन लैब्राडोर का मजल का साइज होता है वो लॉन्गर होता है। जो उसकी नेक होती है इंग्लिश लैब्राडोर की नेक होती है वो थोड़ी मोटी होती है और चेस्ट वो भी मोटी होती है, वो थोड़ा सा भारी दिखता है। और जो अमेरिकन लैब्राडोर है उसकी नेक पतली होती है और लॉन्गर होती है, मतलब लंबी होती है। जो इंग्लिश लैब्राडोर है उसके जो टेल साइज है वो मोटा होता है और जो अपना अमेरिकन लैब्राडोर है उसके टेल साइज वो पतली होती है और लंबी होती है। तो इन दोनों के बीच में ये हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, तो इस चीज से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है साइज। इंग्लिश लैब्राडोर और अमेरिकन लैब्राडोर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर छोटा सा डिफरेंस है उसकी हाइट पे। जो इंग्लिश लैब्राडोर की हाइट है वो 21.5 इंचीज से 22.5 इंचीज है और जो अमेरिकन लैब्राडोर की हाइट है वो 21.5 इंचीज से 24.5 इंचीज है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अमेरिकन लैब्राडोर है वो इंग्लिश लैब्राडोर से थोड़ा सा हाइट में बड़ा है और जो इंग्लिश लैब्राडोर है वो थोड़ा सा थिकर है इससे अमेरिकन लैब्राडोर से। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जो है टेम्परामेंट। लैब्राडोर का टेम्परामेंट लविंग होता है, फ्रेंडली होता है, इंटेलिजेंट होता है। ये अपने जो ओनर होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच होते हैं। अब हम बात करते हैं जो इन दोनों के इंग्लिश लैब्राडोर और अमेरिकन लैब्राडोर के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो अमेरिकन लैब्राडोर है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है इससे इंग्लिश लैब्राडोर से, बस इनमें इतना छोटा सा डिफरेंस है और सारी चीजें इनकी सेम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कौन सा डॉग आपके लिए परफेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल चॉइस है कि कौन सा डॉग आपके लिए परफेक्ट है। बाकी जो अगर आपकी फैमिली बाहर ज्यादा घूमना पसंद करती है, बाहर आउटसाइड ज्यादा रहना पसंद करती है, तो आपके लिए अमेरिकन लैब्राडोर ज्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा उससे ज्यादा एक्टिव होता है, मैंने अभी बताया। और अगर आपको आपकी फैमिली कोई पहली बार या आप कोई पहली बार डॉग रख रहे हो तो आप फिर इसकी तरफ इंग्लिश लैब्राडोर की तरफ जा सकते हो क्योंकि वो इतना हल्का सा एक्टिव नहीं होता इतना ज्यादा और इतना ज्यादा अनोइंग नहीं करेगा आपको खेलने के लिए और घुमाने के लिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।